दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। महिला नागा साधु, हैरान कर देने वाली बातें। दोस्तों, नागा साधु एक ऐसे समाज से ताल्लुक रखते हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। हालांकि पुरुष नागा साधुओं के बारे में तो लोगों को फिर भी इक्का दुक्का ज्ञान है, लेकिन जब बात महिला नागा साधु की आती है तो बहुत से लोगों को ये तक नहीं पता होता कि महिलाएं भी नागा साधु होती हैं। पर दोस्तों, ये बात पूरी तरह से सच है। महिलाएं भी नागा साधु की जिंदगी को अपनाती हैं और उनकी जिंदगी में बहुत से ऐसे बदलाव आते हैं जिनके बारे में हम और आप तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पर दोस्तों, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको महिला नागा साधु के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें बताने वाला हूँ जिन्हें सुनने के बाद आप पूरी तरह से हैरत में पड़ जाएंगे। बस वीडियो में हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर 12 साल के अंतराल में कुंभ मेले का आयोजन होता है, जो कि हिंदू धर्म के अनुयायियों से जुड़ा आस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। इस कुंभ मेले का आयोजन भारत के 4 प्रमुख तीर्थ स्थानों पर किया जाता है, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। अब दोस्तों, हमें आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि कुंभ मेले में स्नान करने के लिए न सिर्फ भारत से बल्कि पूरी दुनिया से लोग आते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुंभ मेले में एक साथ इकट्ठे होने वाले लोग पूरी दुनिया में कहीं और इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे नहीं होते। लेकिन कुंभ मेले की सबसे खास बात यहाँ आने वाले नागा साधु हैं, जो सभी के आकर्षण का केंद्र होते हैं। असल में नागा साधु भी दुनिया के कोने कोने से कुंभ मेले में बड़ी संख्या में स्नान करने आते हैं। शायद आपको ना पता हो, 2 बड़े कुंभ मेलों के बीच एक अर्ध कुंभ मेला लगता है, जो पिछली बार प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेला था वो अर्ध कुंभ मेला ही था। हालांकि कुंभ मेले के बाद नागा साधु को देखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और इसलिए इनके विषय में लोगों को ज्यादा कुछ नहीं पता और हमेशा लोगों के मन में इन्हें लेकर जिज्ञासा बनी ही रहती है। ऐसे में आप लोगों ने नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया के बारे में कभी ना कभी तो सुना ही होगा। पर दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको महिला साधुओं से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि महिला नागा साधु का जीवन बहुत ही अलग होता है। इनका गृहस्थ जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। उसके साथ साथ संसार में क्या हो रहा है और क्या नहीं, इस बात से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। अब नागा साधुओं को लेकर कई सारी बातें सामने आती हैं, जहां नागा साधु बनने के लिए इन्हें बहुत ही कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। असल में दोस्तों, महिलाओं को नागा साधु या सन्यासन बनने के लिए 10 से 15 सालों तक कठिन परिश्रम करना होता है। जो कोई भी साधु या सन्यासन बनना चाहता है, उसे अपने गुरु को इस बात का विश्वास दिलाना होता है कि वो साधु बनने के लायक है। सन्यासन बनने से पहले महिला को यह साबित करना होता है कि उसका अपने परिवार और समाज से कोई मोह नहीं है, क्योंकि महिलाओं को अपने परिवार और समाज से कुछ ज्यादा ही मोह होता है। ऐसे में महिला नागा सन्यासी बनने से पहले अखाड़े के साधु संत उस महिला के घर परिवार और उसके पिछले जन्म की जांच पड़ताल करते हैं। पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि किसी भी महिला को नागा साधु बनने से पहले खुद को जीवित रहते हुए अपना पिंड दान करना पड़ता है, साथ ही अपना मुंडन करवाना पड़ता है, ताकि ये साबित हो सके कि महिला को समाज से और शारीरिक रंग रूप से कोई मतलब नहीं है। जिसके बाद उस महिला को नदी में स्नान के लिए भेजा जाता है। स्नान करने के बाद महिला नागा सन्यासन पूरे दिन भगवान का जाप करती है। सुबह मुहूर्त के समय उठकर शिवजी का जाप करती है। कुंभ में नागा साधु के साथ ही महिला सन्यासन भी शाही स्नान करती है, और फिर दोपहर के भोजन के बाद ये फिर से शिवजी का जाप करना शुरू कर देती है। आपको बता दें, महिला सन्यासन को अखाड़े में पूरा सम्मान दिया जाता है, और पूरी संतुष्टि के बाद ही आचार्य महिला को दीक्षा देते हैं। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें नागा साधुओं के साथ भी रहना पड़ता है। हालांकि महिला सन्यासन पर इस बात की कोई पाबंदी नहीं होती है कि उन्हें नागा साधुओं की तरह बिना कोई कपड़े पहने रहना है। वो अपने शरीर पर पीला वस्त्र धारण कर सकती है, इसलिए महिला सन्यासन पीले वस्त्र से अपने शरीर को ढक सकती है, ताकि वो अपने शरीर के जरूरी अंग या फिर कह लीजिए प्राइवेट पार्ट्स को ढक सके और पूरी सभ्यता के साथ समाज में उतरे। और जब कोई महिला इन सभी परीक्षाओं को पास कर लेती है तो उसे माता की उपाधि दे दी जाती है, जिसके बाद अखाड़े के सभी छोटे बड़े साधु संत उस महिला को माता कहकर बुलाते हैं। उन्हें भी बराबर से सम्मान दिया जाता है। बस आप ये समझ लीजिए कि पुरुष नागा साधु और महिला नागा साधु में सिर्फ इतना अंतर है कि पुरुष नागा साधु को अपने शरीर में किसी भी प्रकार का कोई वस्त्र नहीं पहनना होता, जबकि महिला नागा साधु अपने शरीर पर पीला वस्त्र लपेट सकती है और उन्हें उसी कपड़े को पहनकर स्नान भी करना होता है।
क्योंकि महिला नागा साधुओं को नग्न स्नान करने की अनुमति नहीं है। अब आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि जब महिलाओं को अपने शरीर में कपड़ा लपेटने की अनुमति है तो पुरुष नागा साधुओं को ये अनुमति क्यों नहीं है। तो दोस्तों, इसके पीछे का कारण ये है कि जब कोई पुरुष नागा साधु बनता है तो उसे अपने शरीर में किसी भी प्रकार का कपड़ा नहीं पहनना होता, और इसके पीछे की वजह यह है कि ताकि पुरुष समाज की सभी मोह माया और शर्म को त्याग कर बिल्कुल साधु की तरह अपना जीवन व्यतीत करे। इसी वजह से अगर किसी पुरुष को नागा साधु बनना है तो उसे अपने सभी वस्त्रों को त्यागना होता है और बिना वस्त्र के ही अपना जीवन व्यतीत करना होता है। लेकिन महिलाओं के लिए अपने परिवार को छोड़ना ही अपने आप में ही बहुत बड़ा त्याग है। आपने हमेशा ये चीज सुनी होगी कि महिलाओं के अंदर दया की भावना कूट कूट कर भरी रहती है और उसी भावना के चलते वो कभी भी अपने परिवार का मोह नहीं छोड़ पाती। लेकिन जो महिलाएं साधु बनने के लिए आती हैं, उन्हें परिवार और समाज से पूरे रिश्ते नाते तोड़ने पड़ते हैं, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी चीज है, और उन्हें भी ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना पड़ता है। इसलिए किसी भी महिला साधु की जिंदगी पुरुष से कम नहीं होती। उम्मीद है आपको ये वीडियो से काफी कुछ जानने, समझने और सीखने का मौका मिला होगा। अब आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में बताइए। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।